हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एग्रोनॉमी क्रॉप या फील्ड क्रॉप के वीडियो सीरीज में अपने नेक्स्ट क्रॉप डिस्कशन करने जा रहे हैं किडनी बीन। किडनी बीन को कई नामों से जाना जाता है, अपने यहाँ राजमा भी कहा जाता है और कॉमन बीन भी कहा जाता है। अगर अपने पल्सेज क्रॉप में बात करें, दलहनी फसलों में बात करें, तो दुनिया की जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली पल्सेज है, दाल है, वो राजमा ही है। देखो, भारत में तो मुख्य दलहनी फसल जो मेजर पल्सेज क्रॉप है वो है चना, चिकपी है, और राजस्थान में भी मुख्य दलहनी फसल चना, चिकपी है, और भारत में दूसरी मुख्य दलहनी फसल पीजन पी यानी अरहर है, और राजस्थान की दूसरी मुख्य दलहन फसल मूंग है। लेकिन विश्व की जो मुख्य दलहनी फसल है, मेजर पल्सेज जो क्रॉप है, वो राजमा या किडनी बीन है। अपने इस पर पहले इंट्रोडक्टरी बात करते हैं। देखो, जो इसका बोटेनिकल नेम है वो फैसियोलस वल्गेरिस है। कुल लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनेसी को अपने फेबियसी भी बोल देते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल अमेरिका है। क्रोमोजोम नंबर 2 and equal to 22। देखो, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको पल्सेज क्रॉप में बताया था कि जो खरीफ की पल्सेज होती है उनके अंदर क्रोमोजोम 22 होते हैं, लेकिन ये तो रबी की पल्सेज है और इसमें क्रोमोजोम नंबर है वो 22 है। राजमा है, उसको मेनली रबी में लगाया जाता है, लेकिन बहुत सारे एरिया में खरीफ में भी लगती है ये, लेकिन मुख्य रूप से रबी की फसल है। तो पीछे अपने बात की थी कि जो रबी की फसलें होती है उनमें क्रोमोजोम नंबर 14 होते हैं। रबी की जो भी दलहनी फसल है उनमें क्रोमोजोम नंबर 14 है, राजमा को और काबुली चना को छोड़ के। काबुली चना में तो गुणसूत्र 16 होते हैं और राजमा में 22 होते हैं। बाकी कोई भी रबी की दलहन आ जाए तो उसमें गुणसूत्र संख्या 14 ही होती है, और जो खरीफ की दलहन होती है उनमें गुणसूत्र संख्या 22 होती है, एक कुल्थी को छोड़ के, और उसके अलावा जो क्लस्टर बीन यानी ग्वार है उसको छोड़कर सभी के अंदर 22 ही होती है। तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो खरीफ की दलहन के बराबर होती है, लगाया मुख्य रूप से इसको रबी में जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम का प्रकार रेसिम, टाइप ऑफ फ्रूट लेग्यूम में सभी के अंदर पोड, पोड बोले तो फली होता है। प्रोटीन कंटेंट है वो होता है 23 से 24%, लगभग अगर अपने एक्यूरेसी में बात करें तो 23.58% के आसपास होता है, इसलिए अपने 23-24 बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑलमोस्ट 60 से 61% के आसपास होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 60 से 61% के बाद। अगर कोई विटामिन पूछ ली जाए तो इसमें विटामिन B1 और विटामिन B2 ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलता है। अब जनरली इंट्रोडक्टरी बात करें तो इट इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रिंग बीन, इसको स्ट्रिंग बीन बोलते हैं, फील्ड बीन, फ्लेगोलेट बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन बीन, ग्रीन बीन, हरिकोट बीन, पॉप बीन, स्नैप बीन, कॉमन बीन, कई नाम से जाना जाता है इसको, राजमा को। सीड आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस के रिसोर्स होते हैं। और इसकी जो ग्रीन पॉड होती है, फ्रेश पॉड होती है यानी ताज़ा जो फलियां होती है, वो वेजिटेबल के काम में भी आती है, और ग्रीन लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, इसकी पत्तियां भी कई कई जगह सब्जी बनाने के काम में ली जाती है। तो पॉड और जो ग्रीन लीव्स है वो वेजिटेबल एज ए वेजिटेबल यूज की जाती है, और राजमा के प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो ब्राज़ील है। जो टेस्ट वेट है राजमा का वो है 350 से 450 ग्राम, 350 to 450 ग्राम्स। राजमा इज हाईली कंज्यूमिंग पल्सेज क्रॉप इन वर्ल्ड, अपने पीछे बात कर रहे थे, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पल्सेज है यानी दुनिया की मुख्य जो दलहनी फसल है वो कौन सी है, राजमा। राजमा को किंग ऑफ न्यूट्रेंट्स कहा जाता है, न्यूट्रेंट्स वैल्यू अच्छी होती है इसकी। इट इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, राजमा इज 10 न्यूट्रल प्लांट्स। देखो, इसको रबी में तो लगाया ही जाता है और साथ साथ में इसको खरीफ में भी ग्रो किया जा सकता है, जैसे अपने इंडिया में बात करें तो साउथ इंडिया में इसको खरीफ में भी लगा लिया जाता है। इट इज द ओनली पल्सेज क्रॉप इन विच नाइट्रोजन फिक्सेज इज नॉट फाउंड। देखो, राजमा एक ऐसी दलहनी लेग्यूम फसल है, लेग्यूम फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन ये एक ऐसी दलहन है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट की, देखो जो राजमा है ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट रीजन तक इसको लगाया जा सकता है, और इसकी ग्रोथ के लिए सबसे जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अपने रेंज में बात करें तो 16 to 24 डिग्री सेल्सियस रहता है।
और दलहनी फसलों की तरह ये भी क्या है, मतलब जो फ्रॉस्ट होता है, पाला होता है, उसके लिए सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। जहाँ पर 50 to 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, वहां पर इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। यानी जहाँ से जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर होती है, वहां पर इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। सॉइल की बात करें तो देखो, वाइड रेंज की जो सॉइल होती है, यानी लंबी चौड़ी मृदा में इसको लगाया जा सकता है। लाइट सैंडी सॉइल टू हैवी क्ले सॉइल तक लगा सकते हैं, लेकिन जो ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जल निकास व्यवस्था होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। और ये 5.2 से 5.8 pH पे सबसे ज़्यादा बढ़िया ग्रो करती है। यानी हल्की जो लाइट एसिडिक सॉइल होती है, उनके अंदर बढ़िया लग्जरी ग्रोथ देती है। और जो सेलाइन कंडीशन होती है, लवणीय जो स्थिति होती है, उसके लिए ये बढ़िया नहीं है। यानी उसके लिए सेंसिटिव होती है। दिस क्रॉप इज सेंसिटिव टू सेलाइन सॉइल या सेलिनिटी, मतलब लवणीय 7 से ज़्यादा pH है, वो इसके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अपने वेराइटीज़ की बात करें तो देखो, दो तरह की वेराइटी होती है। एक तो झाड़ी, बुश टाइप का, मतलब थोड़ी फैलने वाली होती है। एक थोड़ी स्टैंडिंग टाइप की होती है, वो कम फैलती है। जो थोड़ी फैलने वाली होती है, उसको बुश टाइप वैरायटी बोलते हैं। जैसे पेंशिल वंडर है, कॉन्टेंडर है, पुसा पर्वती है, अर्का कोमल, जाम्पा बॉन्टीफुल और प्राइडर है। पोल टाइप वैरायटियों की अपने बात करें तो केंटुकी वंडर है, केंटुकी वंडर वैक्स है, प्राइमर VPF 191 है। उसके अलावा फुले सूर्य का, जो फुले फुले सूर्य का है, डेवलप बाय सिलेक्शन फ्रॉम कल्टीवार जामा। जामा जो कल्टीवार है, उससे डेवलप की गई है। ये खरीफ में, रबी में और स्प्रिंग समर सीजन के अंदर, तीनों ही सीजन में खेती करने के लिए सुटेबल मानी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें सीड रेट, राजमा की जो सीड रेट होती है, वो 120 to 140 kg पर हेक्टेयर होती है। प्लांटिंग डिस्टेंस की अगर बात करें तो 30 to 40 into 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं पोल टाइप, तो उसमें डिस्टेंस लाइन टू लाइन 30 रखते हैं। और अगर मैं बात करूं बुश टाइप की, तो बुश टाइप में लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर रखते हैं। जब सॉविंग करते हैं तो जो सीड की डेप्थ है, वो 8 to 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। सीड ट्रीटमेंट, देखो सीड ट्रीटमेंट है, ग्रो करने से पहले इसे फंजीसाइड से ट्रीट किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, लेग्यूम होते हुए, क्योंकि ऐसा लेग्यूम है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। सॉविंग टाइम की बात करें तो जून जुलाई खरीफ के अंदर और अक्टूबर रबी के अंदर, मेनली रबी सीजन की क्रॉप है, तो अक्टूबर है वो सबसे सुटेबल टाइम है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो FYM 10 to 15 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 to 120 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो जो पहला इरिगेशन है, वो सॉविंग के 25 डेज बाद अप्लाई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो प्लेन है, वहाँ पर 3 इरिगेशन की नीड होती है। पहला इरिगेशन सॉविंग के 25 डेज, दूसरा 75 डेज और तीसरा 100 डेज आफ्टर सॉविंग। और जो इंडिया का सेंट्रल जोन है, वहाँ 4 इरिगेशन की नीड होती है। पहला सॉविंग के 25 डेज बाद, दूसरा 50 डेज, तीसरा 75 डेज और चौथा जो है वो 100 डेज के बाद, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो 3 to 4 इरिगेशन की नीड होती है, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वीड मैनेजमेंट। हैंड होविंग कर देते हैं 30 to 35 डेज के बाद। उसके बाद अपने बात करें तो प्री इमरजेंस एप्लीकेशन के रूप में पेंडामिथिलिन काम में लेते हैं। पेंडामिथिलिन है वो 1 kg पर हेक्टेयर, और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, उसके रूप में अपने फ्लूक्लोरिन काम में लेते हैं, वो भी 1 kg पर हेक्टेयर अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। मैच्योरिटी स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे जब लीव और जो पॉड है वो येलो ब्राउनिश कलर के हो जाए, यानी प्लांट जब ड्राई हो जाए। ज़्यादा अपने को डिले नहीं करना चाहिए हार्वेस्टिंग में, मतलब लेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फलियों से दाने झड़ने लगते हैं, जिसको शैटरिंग बोलते हैं। तो हमें सही प्रॉपर टाइम पे क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अगर यील्ड की बात करें तो 10 to 15 क्विंटल ग्रेन की प्रोडक्शन हो जाता है। 30 to 35 क्विंटल पर हेक्टेयर स्ट्रो का प्रोडक्शन हो जाता है। अगर ग्रीन पॉड प्रोडक्शन करना होता है, तो ग्रीन पॉड का जो प्रोडक्शन है वो 40 to 50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हो जाता है। क्योंकि राजमा है, उसके अपने पल्सेस भी काम में लेते हैं, ग्रीन पॉड भी काम में लेते हैं, और लीफ भी कुछ एरिया में वेजिटेबल के लिए काम में ले ली जाती है, लेकिन लीफ है वो कमर्शियल पार्ट नहीं है।
डिजीज की बात करें, मेजर डिजीज की, तो एंथ्राकनोज है, पीछे अपने की पल्सेज क्रॉप में बात कर चुके हैं, कोलेस्ट्रिकम स्पेसीज के कारण होता है, यहाँ पे ये एंथ्राकनोज डिजीज दिया हुआ है। उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, इरिसिपी, पॉलीगोनी या अदर जो स्पीसीज है उसके कारण होता है, ये भी अपने पीछे पल्सेज क्रॉप्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो लीफ होती है उसके ऊपर साइड पे जो पाउडरी ग्रोथ हो जाती है उसको अपने पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ये कंडीशन हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पे देखने को मिलती है। इसके कंट्रोल के लिए अपने जैसे वेटेबल सल्फर या कोई भी सल्फर कंटेंट वाला फंजीसाइड जैसे केराथियन वगैरह डाल देते हैं। उसके अलावा रस्ट की भी प्रॉब्लम होती है, प्यूशिनिया या यूरिसिमाइसिस जो फंगस होता है उसके कारण रस्ट होती है, तो ये मेजर डिजीज है। नेक्स्ट अपने बात करें मेजर इंसेक्ट, तो बीन लीफ बीटल है, सेरेटोमा ट्राइफ्यूरिकाटा जो मेजर इसका इंसेक्ट है, ये यहाँ पे देख सकते हो बीन लीफ बीटल है। उसके अलावा ब्लैक कटवॉर्म है, कॉर्न अर्वोरम है, यूरोपियन कॉर्न बोरर है, फ्लिया बीटल है, पोटेटो लीफ हॉपर है। ये वैसे तो जो वेजिटेबल पोटेटो होता है उसके अंदर लगता है, यहाँ इसमें भी लगता है। इम्पोसिका फेबिया इसका जो जूलॉजिकल नेम है, तो जूलॉजिकल नेम भी आप देखना चाहो तो सभी इंसेक्ट के देख सकते हो। तो ये अपनी राजमा क्रॉप थी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।